सो दोस्तों, आया हूँ मैं आज एक सीतापुर के एक छोटे से गांव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, जो ये है राधा कृष्ण का मंदिर है और क्या खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मैं कनेल के पेड़ से रूबरू कराना चाहूँगा, अगर आप जानते होंगे तो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं, अभी इस टाइम पे नहीं निकले हैं। ये देखिए, बस इतना सा आया हुआ है और ये कट्टू बोला जाता है गाँव में, इसमें से निकलता है। और ये चांदनी का पेड़ है जैसा कि आप जानते हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से जो सरसों की फसल तैयार हुई है, वो कितनी खूबसूरत फसल तैयार हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं सामने जो मेरे है, ये सरसों की खेती हुई है। यहाँ पे जानवर ना जाएं, इसके लिए यहाँ से ही इसको बांध दिया गया है, चारों तरफ से कवर्ड है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सरसों लगी हुई है, सरसों के पौधे कितने सारे लगे हुए हैं। और ये फसल तैयार हो चुकी है, लगभग लगभग कटने को है। और उसके आगे वो गन्ना बोया है, और ये एक छोटा सा तालाब है बीच में जिसमें मछलियाँ पली हुई हैं। और बाकी ये आम का पेड़ है, गर्मियों में इसमें आम वगैरह आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पेड़, ये पेड़, इसमें ये बेल पत्री जो शंकर जी को चढ़ाई जाती हैं, उसका पेड़ लगा हुआ है। ये पूरा ही बेल का पेड़ है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्लेस के साथ, तब के लिए नमस्कार।